ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी भविष्यवाणी क्यों सत्य होगी? कोरोना को लेकर लगातार मैं बैक टू बैक वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं और लगातार लोगों का कमेंट आ रहा है, तो आपको भी ये जानकर आपको ये जानना चाहिए कि आखिर मेरी भविष्यवाणी क्यों सत्य होगी, मैं किस बिहाफ पर बोल रहा हूँ कि ये सत्य होगी। तो आज 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल के फेसबुक का पोस्ट देखिए जो 2015 में मैंने किया था, और उसमें इस पोस्ट का एक अंश आप ज़रूर देखिए। अपने उसी कविता पे पहुँचा तो उस पर हाई अलर्ट ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, और इसको आप देख सकते हैं, मैं यहाँ डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पोएम, इट्स हाई अलर्ट फॉर ऑल, नॉट रिटन फॉर मेकिंग फियर्स, इट्स समथिंग विच प्लैनेट वॉन्ट टू हैपन, प्लीज़ डू नॉट कमेंट। मैंने इसको 26 अप्रैल 2015 में 22:10 पे पोस्ट किया था। जब तक शनि वक्री रहेगा, जुपिटर को नॉर्थ ईस्ट में परेशान करेगा, यकीन ना होगा लोगों को पर धरती का विनाश होगा, प्लैनेट्स की बातों का कुछ को तो नाज होगा, ऋषि मुनि की बातों को अब सच्चा प्रमाण होगा, पृथ्वी डोलेगी उस दिन जब दिन शनिवार होगा, राहु केतु भी पूरा साथ देंगे चाहे वो दिन रविवार होगा, सूरज उच्च का होकर भी जुपिटर का ना साथ देगा, फसलों को बर्बाद करके चंद्रमा का ज्ञान होगा, राहु काल में पूरा उल्टा सीधा काम होगा, अगर सुधरे नहीं दुनिया वालों तो चारों तरफ कंकाल होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं केवल ये संसार होगा, प्रदूषण ओलावृष्टि से बीमारियों का भंडार होगा, असली बात ना समझ सकोगे गूगल से भी काम ना होगा, ऋषि मुनि की बातों का थोड़ा सा विज्ञान होगा, 2020 में लास्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, 2020 में लोगों को ज्ञान होगा, मार्च के महीने में प्रलय काल होगा। और लास्ट में मैंने लिख भी दिया था, टैब में लिख दिया था कैप्स लॉक में, इट्स माय थिंकिंग, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट इन गूगल, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। इसके बाद इस पोस्ट में आपको यह बताया गया कि मार्च 2020 में प्रलय काल होगा। लगातार फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद जब मैं यूट्यूब पर आया और 26 दिसंबर 2019 का जो वीडियो था वो जुलाई में पब्लिश कर दिया गया था, 6, 7, 8 ग्रहों की युति और प्रलय काल का, इसका भी आप एक अंश देखिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, 26 दिसंबर वाला जो डेट होगा उसमें हमारे देश का लग्नेश अस्त नहीं हो रहा है, और अगर हमारे देश का लग्नेश अस्त नहीं हो रहा है और साथ में अपने मित्र के घर में रहेंगे तो यहाँ पर भारत के लिए तो बहुत कोई विशेष निगेटिव चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, दुनिया में निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर वही मैं बात बोल रहा हूँ कि इन ग्रहों की युति के समय ऐसा नहीं होगा, और ये मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ उस समय नहीं होगा। ये अगर होना होगा तो इसके 6 से 8 महीने के बाद ही होगा, जैसा मैं रिसर्च में देख पा रहा हूँ, उससे पहले ये नहीं होने वाला है। अगर अभी देखा जाए, जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने अगर ये होना होता है तो अभी 5-6 महीने पहले ये हो जाना चाहिए, लेकिन ये 6 महीने पहले नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। और मार्च से लेके जुलाई तक का जो टाइम होगा 2020 का, वो टाइम में शायद ये प्रॉब्लम होगा, और वो भी कैलकुलेशन में आ रहा है निकल के। और अब इन दोनों वीडियो में देखने से आपको ये पता होगा कि एग्जैक्टली दोनों ही वीडियो में ये बोला गया कि ये मार्च का जो मंथ होगा, मार्च 2020 में प्रलय काल होगा,
तो मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई और ये डेथ अभी भी कम नहीं हो रही है। और आपको जो लेटेस्ट वीडियो में बताया गया है, ये मार्च से लेके जुलाई तक कुछ ऐसी घटनाएं होनी थी जिसमें भारत को उतना नुकसान तो नहीं होता। और आप देख भी रहे हैं कि भारत की जनसंख्या 133 करोड़ के रिस्पेक्ट में 25-26 हज़ार का केस कुछ भी नहीं है। और इस बिहाब पर मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी देशों में अगर देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो मैं पहले भी अपने कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंट था और आज भी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बीमारी जल्दी ही दूर हो जाएगी। और बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूँ, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए और मांसाहार का त्याग कीजिए। अगर अभी भी आप नहीं इन चीज़ों को करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रलय काल बड़ा रूप ले सकता है। इसकी गणना 2015 में ही कर दी गई थी। मैं यहाँ पर 2015 और 2019 में दो बार इसकी गणना करके चेक किया था और इसी डेट में प्रलय काल की चीज़ें आ रही हैं, जो कि सत्य होते हुए मैं प्रूफ के साथ और तथ्यों के साथ इस वीडियो में पेश कर रहा हूँ। और जाते जाते आप सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर को अक्षय तृतीया की भी बधाई देता हूं। और जो कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप है उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो चुकी है, कुछ ही दिनों में आप इसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर और iOS के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी सूचना YouTube पर मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा और लाइव इसका एप्लीकेशन जिस समय ये डाउनलोड हो जाएगा लाइव एप्लीकेशन यूज़ करके बताऊंगा। और इस वीडियो को पोस्ट करने का जो मकसद है, ये नहीं कि मैंने कुछ विद्वता हासिल कर ली, ये नहीं है मेरे वीडियो का पोस्ट करने का मकसद। मैं जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इसमें आपको बता रहा हूँ कि विश्वास रखिए कि अगर मैंने कैलकुलेशन किया है और 4-5 साल पहले अगर मैंने कैलकुलेशन किया और 2019 में भी वही कैलकुलेशन आ रहा है, तो कुछ तो कैलकुलेशन मैंने किया है, कुछ तो ज्योतिषीय विज्ञान का यहाँ पर मैंने उपयोग किया है। तो आपको विश्वास रखना चाहिए मेरी भविष्यवाणी पर। कुछ लोग तो निगेटिव कमेंट करेंगे ही, उनको मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। बार बार वो कहते हैं कि 14 अप्रैल का जो टाइम था वो बीत गया, 25 अप्रैल का टाइम बीत गया, केसेस बढ़ रहे हैं। भैया केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपना भी माइंडसेट कर लीजिए, केस बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे ही, लेकिन रिकवरी 20-21% की जो रिकवरी है ये बहुत जल्दी आपको 21 मई तक जो मैंने टाइम दे रखा हुआ है लॉकडाउन 3 जो कि कुछ जगह पर होगा, मैं डेट में पुनः फिर बता दूँ किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं है। 3-4 मई तक का मैंने लॉकडाउन बोला था, एग्जैक्टली 4 मई तक का लॉकडाउन था और ये लॉकडाउन 21 मई तक एक्सटेंड होगा। तो जाते जाते आप भी पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव कमेंट लिखिए और आपस में एक दूसरे को उम्मीद बढ़ाते रहिए और मेरे इस भविष्यवाणी पर विश्वास रखिए, जल्द ही हमारे देश में ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इस वीडियो को प्रस्तुत करने का केवल एक मेरा मकसद था, जो लोग निगेटिव कमेंट कर रहे थे उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि ये हमारे भारतीय ज्योतिष विद्या का कमाल है, जो बहुत पहले 5 साल पहले ही इसकी प्रेडिक्शन की गई और 2019 में भी, और दोनों ही बार एक ही डेट निकल के सामने आया। तो ये एक चमत्कार नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा।